साल 1987 की बात है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम के उग्रवादी संगठन और वहां की सेना के बीच एक विद्रोह चल रहा था। ऐसे नाजुक हालात में भारत सरकार पर प्रेशर था अपने पड़ोसी मुल्क में शांति स्थापित करने का। भारत सरकार ने ऐसा ही किया भी। भारत ने अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी। बड़े बड़े कार्यालय में बैठकर एयर कंडीशन की ठंडी हवा लेते हुए शायद ये फैसला लेना आसान होगा हमारे हुक्मरानों के लिए, लेकिन जो जानते हैं कि विदेशी धरती पर किसी भी फौज के लिए ऐसे ऑपरेशन करना मतलब एक आत्मघाती कदम जैसा होता है। भारतीय शांति सेना द्वारा श्रीलंका धरती पर एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन पवन। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था। विदेशी धरती पर आर्मी ऑपरेशन की जिस अनहोनी की आशंका जताई गई थी आखिरकार वही हुआ भी, और भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन के शुरुआत में अपने 30 से ज्यादा बहादुर जवानों को एक झटके में खो दिया। इसके पीछे कारण था अच्छे हथियार और उपकरणों की कमी, इलाके के खराब मैप्स, जिस इलाके में ऑपरेशन चलाया जाता था वहां की जानकारी का ना होना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिबरेशन टाइगर्स तमिल एलम यानी कि लिट्टे के मोडस ऑफ ऑपरेंडी यानी कि उनके काम करने के तौर तरीकों की कोई भी जानकारी भारतीय सेना या कहें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के पास नहीं थी। और इन सब के बावजूद भी भारतीय सैनिकों को लिट्टे के हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट्स को खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया। और आपको पता है इन सब में सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाली बात और मन को कचोड़ने वाली बात क्या थी कि विदेशी भूमि पर वीरगति को प्राप्त होने वाले बहुत सारे अमर बलिदानियों को देश की मिट्टी नसीब तक नहीं। लेकिन उन वीरों ने अपना कर्तव्य अपनी आखिरी सांस तक निभाया। आज की कहानी भी उन्हीं वीरों में से एक की है। राजेंद्र के पिता फौज में अधिकारी थे, इस कारण उनका जीवन भी फौज और उसके ऑलिव ग्रीन वर्दी पहने लोगों के इर्द गिर्द बीता था, और फौज राजेंद्र के मन मस्तिष्क में रचा बसा था। वो फौज में जाने के लिए जुनूनी थे। पिता से सैनिकों की वीरता भरी कहानी सुनकर बड़े हुए राजेंद्र का लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख था, यानी कि भारतीय सेना। 14 जून 1986 वो दिन जब राजेंद्र भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर सेकेंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह नागर बन गए। उसी दिन उन्होंने कहा था कि मेरे कंधे पर इस एक सितारे की चमक ब्रह्मांड के उन तमाम सितारों की चमक से कई ज्यादा है। किसे पता था कि भविष्य के घर में क्या पल रहा था। इत्तेफाक देखिए कि सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह नागर को भी उसी सिख इन्फेंट्री रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में कमीशन मिला था जिसमें उनके पिता कर्नल चरत सिंह नागर जी को भी कमीशन मिला था, और वो 80 के दशक के शुरुआत में 3 वर्ष तक उसके कमांडेंट भी रह चुके थे। खैर, अब साल आया 1987 का। श्रीलंका युद्ध की आग में धधक रहा था। जुलाई 1987 में हुए शांति समझौते के तहत भारत को श्रीलंका में शांति स्थापित करनी थी, जिसके लिए भारत ने अपनी शांति सेना को श्रीलंका भेज दिया। सेना को इस बात का अनुमान नहीं था कि उन्हें उतना जल्दी एक खूनी संघर्ष में शामिल होना पड़ेगा, और जब तक सैनिकों ने इस अति भयंकर युद्ध की बारीकियों को सीखा समझा तब तक सेना को भारी नुकसान हो चुका था। हालांकि भारतीय सेना ने अभी भी सभी संभावित बाधाओं के खिलाफ मिशन का संचालन करने में एक सराहनीय काम किया था। उधर उसी साल भारत में सेकेंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र के लिए माता पिता ने पहले से ही एक दुल्हन देख रखी थी, और उसी साल दिवाली के आसपास उनकी नियोजित छुट्टी के दौरान राजेंद्र की सगाई होने वाली थी। लेकिन ऐसा नहीं होना था क्योंकि नियति के पास कुछ और था जो उनके लिए बहुत बड़ा था। तारीख थी 17 अक्टूबर 1987। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने 16वीं सिख बटालियन को ऑपरेशन पवन की जिम्मेदारी सौंपी। मिशन था जाफना किले से लिट्टे आतंकियों को खदेड़ना और वहां पर एक सैन्य पोस्ट स्थापित करना। जिस भारतीय सेना के दल को यह मिशन दिया गया था उसका हिस्सा सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह नागर भी थे।
विदेशी भूमि पर एक युवा अफसर का इतने बड़े मिशन पर होना साफ दर्शाता था कि सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह नागर के अंदर युद्ध कौशल, नेतृत्व क्षमता भरपूर थी। अभी भारतीय सैनिकों का कॉन्वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ ही रहा था, तभी मनिप्पे गांव के पास लिट्टे द्वारा एक आत्मघाती हमला किया गया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र और उनके साथी जब तक कुछ समझ पाते, आतंकियों ने तब तक भयंकर तबाही मचा दी थी। अब सिर्फ दो ही विकल्प बचे थे और वो थे विजय या वीरगति। सेकंड लेफ्टिनेंट ने अपने साथियों को आगे बढ़ते रहने के लिए कहा और खुद हमला करते हुए उस ओर बढ़ गए जहां से हैवी फायर आ रहा था। सभी बाधाओं को पार कर अपनी जान की तनिक भी परवाह ना करते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह नागर आगे बढ़ते गए। तभी उनकी नजर वहां मौजूद एक बंकर पर पड़ी जहां एक आतंकी छुपकर मशीन गन से भारतीय सैनिकों को लगातार निशाना बना रहा था। सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र ने अब उस बंकर पर धावा बोल दिया। उन्होंने हैंड ग्रेनेड निकाला और बंकर की ओर दौड़े। हैंड ग्रेनेड को बंकर के अंदर फेंकते ही उसमें एक जोर का धमाका हुआ। अब वो मौत उगलने वाली आतंकियों की मशीन गन शांत हो चुकी थी और बंकर में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। बंकर में मौजूद सभी आतंकी अनुमान था कि मारे जा चुके थे, लेकिन तभी सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह ने देखा कि एक आतंकी बंकर से निकलकर भाग रहा है। उन्होंने उसे वहीं दबोच दिया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से मौत के घाट उतार दिया। अब आतंकियों के पांव जाफना फोर्ट से उखड़ने लगे थे। भागते हुए आतंकियों ने एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग खोल लिया और इस बार सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र जी बस्ट फायर लगने के बाद वहीं उसी क्षण वीरगति को प्राप्त हो गए। जब उनके साथियों ने सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र को रण में एक योद्धा की भांति लड़ते और बलिदान देते हुए देखा तो वो भी जोश से लबरेज हो गए और कुछ ही दिनों में 16 सिख बटालियन पहली ऐसी बटालियन थी जो जाफना किले में पहली बार दाखिल हुई थी और सभी लिट्टे आतंकियों को वहां से खदेड़ दिया था। इस कहानी को बताते हुए मुझे जरा भी दुख महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वीरों के लिए शोक नहीं मनाया जाता बल्कि उनके शौर्य, पराक्रम और साहस से अपने अंदर शक्ति जगाई जाती है, ताकि इनसे प्रेरणा लेकर वक्त आने पर हम भी देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकें। बस दुख माता पिता के लिए है कि सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र जी की मां अपने लाल को आखिरी बार सीने से नहीं लगा पाई, पिता अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा नहीं देख सके, भारत के इस वीर को उसके अपने वतन की मिट्टी नसीब नहीं हुई, क्योंकि ऑपरेशन जब तक खत्म हो पाता तब तक वो पूरा इलाका भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गया, वो बड़े तालाब में तब्दील हो गया और सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह नागर जी का पार्थिव शरीर उसी पानी में कहीं खो गया। बहुत प्रयास किए गए उन्हें खोजने के, मगर सभी असफल रहे। पिता कर्नल नागर जी ने बहुत सारे प्रयास किए लेकिन वो खाली हाथ ही लौटे। जिस पिता के साथ उनके बेटे ने एक साल तक एक ही बटालियन 16 सिख में सेवा दी, आज वो अपने बेटे को आखिरी बार देख तक नहीं पाए। यही है वो त्याग, समर्पण, बलिदान जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं, क्योंकि ये कहानी एक फौजी और उसके परिवार की नहीं बल्कि उस तमाम वीरों की है जिन्होंने युद्ध भूमि में दुश्मन से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। भारत माँ के वीर सपूत सेकंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह नागर जी को उनके अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे उनके पिता कर्नल सीएस नागर जी ने ग्रहण किया। अब एक सवाल जो आपके लिए है, क्या आप इस कहानी को देखने से पहले लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह नागर जी और उनके बलिदान के बारे में जानते भी थे? विचार करिएगा, ऐसे कितने वीर हैं जिन्होंने आपके, हमारे और इस देश के लिए वीरगति को गले लगाया लेकिन हम उनका नाम तक नहीं जानते। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।